स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीप जेठवानी एंड आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 0 ख़त्म कर लिया है और अभी से हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो हमारा सिलेबस का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड स्टूडेंट्स। तो ये जो फिजिक्स का जो वर्ल्ड है, फिजिक्स की जो दुनिया है, उसको हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर चालू करने से पहले या तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखो, अगर स्टूडेंट्स तुम लोग इस ओरिएंटेशन से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो कि भाई इस चैप्टर के कितने मार्क्स है, उसके हिसाब से हम इसका प्रिपरेशन करेंगे, तो उस हिसाब से तो आप इस चैप्टर को करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक इसका रीज़न ये है कि इस चैप्टर के अंदर 2 मार्कर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, 3 मार्कर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, 4 मार्कर क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, और वो भी 1 मार्कर मीन्स के VSQ क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने का क्या फ़ायदा? अभी तुम लोगों में से कुछ का क्वेश्चन ऐसे होगा, सर तो 2-3 मार्क के लिए इतना पूरा चैप्टर, वैसे तो रीड कर ले तो भी नहीं चलेगा। लेकिन चलेगा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्या है वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर देखो स्टूडेंट्स, तुम लोग 11th साइंस के अंदर जितना भी तुम लोग हर एक चैप्टर को जितनी बारीकी से पढ़ने वाले हो, 12th साइंस के अंदर हर एक चैप्टर को जितनी बारीकी से पढ़ने वाले हो स्टूडेंट्स, उसी हिसाब से उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे टॉपिक्स से मतलब कि मेन हिंट पॉइंट्स को लेकर के एक छोटा सा चैप्टर डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि सारे 11th और सारे 12th का हिंट चैप्टर हम इसको बोल सकते हैं। मतलब कि सारे हम पूरे 11th में और पूरे 12th में क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो पूरा इस चैप्टर के अंदर इन लोगों ने कवर कर लिया है और उसका एक छोटा सा चैप्टर बना लिया है। और ये चैप्टर जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लेक्चर्स के अंदर ही कवर कर लेंगे। ओके, और ये चैप्टर इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, और तुम लोग अगर रीड करोगे तो भी इस चैप्टर को तुम लोग ईजीली समझ पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर को ईजी तरीके से समझने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर है ना पूरा थियोरेटिकल बेस्ड है, ठीक है, तो इस थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर को प्रैक्टिकली समझाने के लिए और इस वीडियो लेक्चर के अंदर सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स तुम लोगों के लिए परफेक्ट पॉइंट्स बनाए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उन पॉइंट्स का यूज़ क्या है, क्योंकि उन पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक पॉइंट के ऊपर से दूसरे पॉइंट को कंक्लूड करेंगे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हर एक पॉइंट को हम लेते जाएंगे, और वही डिटो टू डिटो तुम लोग अपनी अगर टेक्स्ट बुक्स के अंदर रीड करोगे तो वही तुम लोगों को कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम तो है फिजिकल वर्ल्ड, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं 11th 12th साइंस तुम लोगों ने, क्योंकि 11th साइंस अभी से सिलेक्ट किया है तो साइंस तुम लोगों ने सिलेक्ट किया स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले मैं साइंस क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस? सबसे पहले साइंस क्या है, हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिजिक्स एक, फिजिक्स भी एक किसी का पार्ट है, फिजिक्स भी साइंस का एक पार्ट है। तो फिजिक्स को जानने से पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे साइंस के लिए थोड़े से पोर्शंस, थोड़े से टॉपिक्स बना के लिए तुम लोगों के लिए रखे हुए हैं, और मेन हिंट पॉइंट्स है वो यहीं पे मैंने रखे हुए हैं, ताकि तुम लोग इस टॉपिक्स को लेकर के सीधा पूरा क्वेश्चन को या तो पूरी थियरी को तुम लोग इजीली प्रिपेयर कर पाओ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हम साइंस की डेफिनेशन देना चाहें सबसे पहले, तो साइंस यानी क्या, अगर कोई भी पर्सन तुम लोगों से पूछता है या तो कोई भी क्वेश्चन आता है तुम लोगों के एग्जाम में कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस, तुम लोगों को स्टैंडर्ड 6 से साइंस का सिलेबस आता है, मतलब कि साइंस का जो सब्जेक्ट है वो आता है, तुम लोग पढ़ते भी हो, तुम लोगों ने थियरी भी बहुत सारी प्रिपेयर की होगी, 10th के अंदर भी तुम लोगों ने थियरी प्रिपेयर की होंगी स्टूडेंट्स। लेकिन जब बात आती है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस, तब तुम लोग थोड़ा सा मतलब कि देखना पड़ता है तुम लोगों की साइंस मतलब क्या, वो क्या बोले हम, साइंस का डेफिनेशन क्या बोले, साइंस यानी साइंस नहीं स्टूडेंट्स, साइंस यानी क्या है, इट इज़ द, अगर हम उसको इजीली डिफाइन करना चाहें स्टूडेंट्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज़ अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अभी साइंस जो है उसको अगर हम संस्कृत वर्ड देखें तो साइंस का संस्कृत वर्ड जो है वो दैट इज़ शास्त्रास, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंस का जो संस्कृत वर्ड है उसको हम शास्त्रास बोलते हैं। इस शास्त्रास का वर्ग, इसका जो मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो भी होता है नॉलेज, मतलब कि ऑर्डिनरी नॉलेज या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। ठीक है, उसके बाद सेम मीनिंग जो होता है वो होता है अरेबिक लैंग्वेज के अंदर, अरेबिक में इसको बोलते हैं इल्म,
ठीक है, साइंस को अरेबिक के अंदर बोलते हैं इल्म। तो इल्म वर्ड का मतलब भी जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज या तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज। नॉलेज के बेसिस के ऊपर ये वर्ड काम करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी हमने जो बात की है दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज? ओके, तुम लोग अभी तक जितने भी चैप्टर्स तुम लोगों ने पढ़े हुए, जितने चैप्टर्स तुम लोगों ने देखे हुए साइंस के अंदर, टेंथ के अंदर, नाइन्थ के अंदर, उन सब चैप्टर्स के अंदर स्टूडेंट्स तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम लोगों को कोई भी थियरी पढ़ानी है तो टेक्स्ट बुक वाले कैसे तुम लोगों को उस थियरी तक पहुँचाते हैं। ताकि सपोज कि तुम लोगों ने टेंथ स्टैंडर्ड के अंदर देखा होगा एक फिजिक्स का चैप्टर था, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर आई थिंक ट्वेल्थ चैप्टर था फिजिक्स का, उस चैप्टर के अंदर तुम लोगों को डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर नहीं लेके गए। तुम लोगों को पहले क्या समझाया, स्टार्टिंग कहाँ से की, स्टार्टिंग में तुम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मतलब कि बेसिक से स्टार्ट किया तुम लोगों को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने तरीके के चार्ज होते हैं, चार्ज क्या काम कैसे काम करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या है, सब के बारे में तुम लोगों को डिटेलिंग छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन स्टूडेंट्स वो जो इन्फॉर्मेशन था वो वेल डिफाइंड था, कैसे कि एक ऐसा पोर्शन लिया कि इस पोर्शन के ऊपर से आगे वाली थियरी समझ सको तुम लोग, इस थियरी से उसके आगे वाली थियरी समझ सको और उस थियरी से उसके आगे वाली थियरी समझ सको, इसको ही बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। साइंस भी यही इसी तरीके का एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है स्टूडेंट्स। अगर मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज क्या है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, वही तुम लोगों को ना बताऊं और सीधा मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन समझाने जाऊं स्टूडेंट्स, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि तुम लोग इसको समझ सको और तुम लोग इसको सही तरीके से याद भी रख सको स्टूडेंट्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल, कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए तुम लोगों को मुझे सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, मैं सबसे पहले अगर तुम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों क्या है अगर इसके बारे में बता दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों के बारे में तुम लोगों को पता चल जाए, फिर अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि आई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्यू बाई टी होता है एंड दिस आई इज इलेक्ट्रिक करंट, तब तुम लोग इसको एक्सेप्ट कर पाओगे स्टूडेंट्स। तो इसी टाइप को, मतलब इस टाइप से जो वेल डिफाइंड जो थियरीज चल रही है, ठीक है, और सही तरीके से सही मैनर में ऑर्गेनाइज्ड वे में जो थियरी चल रही है, उन्हीं को बोलेंगे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ठीक है। तो साइंस जो है वो एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए साइंस को एक अलग टेक्निक भी निकाला है। और साइंस को हम, तुम लोगों को पता होगा कि साइंस को हम बोलते हैं गुजराती के अंदर, साइंस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं विज्ञान। साइंस को गुजराती में बोलते हैं विज्ञान स्टूडेंट्स। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे विज्ञान की अगर हम बात करें तो देखो स्टूडेंट्स, इस विज्ञान एक वर्ड में से अगर इन एक वर्ड को तोड़ा जाए तो क्या होगा, वी प्लस ज्ञान ऐसा होगा स्टूडेंट्स, वी प्लस ज्ञान। अभी ज्ञान का मीनिंग तो तुम लोगों को पता है, दैट इज नॉलेज, दैट इज जस्ट नॉलेज, ओके। बट वी मीन्स वॉट, और इसके लिए मैंने एक तुम लोगों को याद रखवाने के लिए और इजी ट्रिक में तुम लोग इसको याद रख सको उसके लिए मैंने बोला हुआ है कि वी मीन्स की विशेष प्रकार, गुजराती में मैं इसको बोलता हूँ विशेष प्रकार, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विशेष प्रकार उसको बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज्ञान इट मीन्स नॉलेज एंड वी इट मीन्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट मीन्स की विशेष जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज इज साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इतना पहले क्लियर हो गई ये बात। तो ये है डेफिनेशन ऑफ साइंस, ओके। साइंस वर्ड जो है वो संस्कृत में साइंस वर्ड को बोलते हैं शास्त्र, शास्त्र का मीनिंग भी यही होता है, नॉलेज ही होता है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ही होता है। इन अरेबिक लैंग्वेज, अरेबिक में भी साइंस को बोलते हैं इल्म। इसके बाद आगे बढ़े तो स्टूडेंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज, यानी तुम लोगों को थोड़ा सा वो लगा होगा कि सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज मतलब क्या सर, वो समझ में नहीं आया, थोड़ा उसके ऊपर डिटेलिंग में जाएंगे। उसके लिए मैं तुम लोगों को स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देता हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज हम किसको बोलेंगे और ऑर्डिनरी नॉलेज क्या है एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या जनरेट होता है उसके बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा, देखिएगा कि देखो अगर तुम लोग यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हो उन सभी स्टूडेंट्स को मुझे पता है कि सभी मेजोरिटी केसेस के अंदर सभी को बाइक चलाना आता होगा, ठीक है, सभी को बाइक चलाना या तो साइकिल चलाना आता ही होगा। और ये मेजोरिटी केसेस के अंदर पूरी दुनिया में ये कॉमन बात है, बाइक चलाने आना है तो सिर्फ साइकिल चलाने आना, इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, ओके। तो ये है ऑर्डिनरी नॉलेज,
कि भाई मुझे चलाना आता है, अगर मैं तुम लोगों में से किसी को बोलूँ, तुम लोगों में से किसी का नाम दूँ कि भाई तुझे बाइक चलाना आता है तो तुझे साइकिल चलाना आता है, तुम लोग बोलोगे हाँ सर हमें आता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मतलब कि ये जो चीज़ है, मतलब कि बाइक चलाना साइकिल चलाना दैट इज़ नॉर्मल, इसको बोलेंगे हम ऑर्डिनरी थिंग, इसको बोलेंगे हम ऑर्डिनरी नॉलेज कि जो सबके पास है दैट इज़ ऑर्डिनरी। लेकिन अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा उसको, अभी मैं जो समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज यानी क्या? देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ बाइक चलाने आना दैट इज़ ऑर्डिनरी, वो सबको आता है, लेकिन वो बाइक का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, उसमें चेन की ज़रूरत क्यों है भाई, उसमें दो व्हील्स की ज़रूरत क्यों है, हॉर्न कैसे लगा है उसमें, सेल्फ स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है, बाइक कैसे स्टार्ट होता है, पिस्टन क्या काम करता है, चेन क्या काम करता है, ये पेट्रोल कैसे काम करता है, बाइक कैसे चलती है, ब्रेक कैसे काम करती है, हॉर्न कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें जानना ही स्टूडेंट्स, यही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। मतलब कि जो चलाने आना वो तो सबको चलाने आता है स्टूडेंट्स, लेकिन जब बात आती है कि वो कैसे काम करता है स्टूडेंट्स, तो तब तुम लोगों को ये मेंशन करना ज़रूरी है कि भाई कैसे काम करना आता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वही तो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज जो सबके पास नहीं है, और वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज तुम लोगों को गेन करना है। इसीलिए ये साइंस जो है वो हम अभी से स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं कि बेसिक से स्टार्ट करें, ताकि तुम लोगों को ये पता चले कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज चाहिए, ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, मशीन काम कर रहा है। हम देखेंगे आगे, ठीक है, सिलेबस में आएगा, हमारे फिजिक्स आगे के सिलेबस में आएगा कि ये कोई टॉपिक होगा, कोई थियरी होगी, ये काम कर रहा है, ऐसे जा रहा है। मतलब कि चार्जेस के बारे में सपोज की बात करेंगे, या तो कोई फोर्स के बारे में बात करेंगे कि अगर फोर्स लग रहा है, लेकिन क्यों लग रहा है वो सबको नहीं पता होता है, वो सिर्फ तुम लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स। अगर तुम लोग उसके रूल्स कैसे काम करते हैं उसको अगर सीख लोगे तो तुम लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर जो और लोग जो नॉर्मल यूजुअली जिन लोगों ने साइंस नहीं किया है स्टूडेंट्स, उन लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉलेज जो अगर होगा उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, ठीक है, ओके। उसके बाद हम जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, मींस के फिजिकल वर्ल्ड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फिजिक्स क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिक्स? सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन आता है हमारे माइंड के अंदर कि सर फिजिक्स का मतलब क्या, और फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कैसे कि इस साइंस के अंदर हमने बात की उसी तरीके से सर फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन अगर हम बोलने जाए दैट इज़ क्या होगी कि फिजिक्स क्या चीज़ है। देखो, नेचर है ना, नेचर जो जिसको हम कुदरत बोलते हैं, नेचर है, उसके कुछ रूल्स हैं, ओके। उस रूल्स को, हालांकि हमने उस रूल्स को समझा है कुछ साइंटिस्टों ने, और उन साइंटिस्टों के नाम से वो रूल फेमस है। सपोज कि न्यूटन, तो न्यूटन 1, 2, 3 तीनों लॉज है न्यूटन के वो, ठीक है। तो उन कुछ साइंटिस्टों ने उन रूल्स को समझा तो है, लेकिन जब उन लोगों ने समझा उनसे पहले भी वो रूल्स तो इस अर्थ के अंदर काम तो करते ही थे स्टूडेंट्स, और इक्वली सभी जगह पे सभी लोगों के ऊपर काम करते थे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उन लोगों को मतलब कि उन थियरीज को समझना, उन वेल डिफाइंड थियरीज को समझना और उसको एक लॉ बनाना, उसको एक नियम का मतलब कि एक लॉ बनाना, ठीक है, और उन लॉज को साथ में कंबाइन करके जो एक जो साइंस बना है उस साइंस को हम बोलेंगे फिजिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, क्या है, अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर। हमें नेचर के रूल्स को समझना है स्टूडेंट्स। ये मार्कर है, मार्कर गिरा, मार्कर को छोड़ा तो नीचे क्यों जा रहा है स्टूडेंट्स, वो समझना है हमें, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसलिए नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे जाएगा ये, ठीक है। ऐसे कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ हो रही है तुम लोगों के आसपास, वो 110% कुछ ना कुछ लो के ऊपर काम करती है, ठीक है। कोई भी लो के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये सब फिजिक्स के अंदर ही सब लॉज आते हैं, क्लियर है बात। तो इन नेचर के रूल्स को समझना, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे फिजिक्स, क्लियर है बात, ओके। हम इसके बाद आगे जाते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो दुनिया, फिजिक्स की दुनिया, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं तुम लोगों का हमारी फिजिक्स की दुनिया के अंदर स्वागत करना चाहता हूँ, ठीक है। इस दुनिया के अंदर, फिजिक्स की दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी
जो पोजीशंस होंगी, जो ऐसी जो सिचुएशंस क्रिएट होंगी उसकी इक्वेशंस बनाएंगे, उसमें वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, वो सब पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारी टर्म्स के बारे में हम इस दुनिया के अंदर पढ़ने वाले हैं, इस फिज़िक्स की दुनिया के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो बेसिकली दो पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक है इनर वर्ल्ड और एक है आउटर वर्ल्ड। एक है इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड क्या है स्टूडेंट्स? जो वर्ल्ड, जो दुनिया हमारे बॉडी के अंदर की दुनिया है, दैट इज़ इनर वर्ल्ड। वो अंदर की दुनिया है। और जो दुनिया हमारी बॉडी के बाहर की दुनिया है, वो सारा है आउटर वर्ल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इनर वर्ल्ड के बारे में बात करनी है वो तुम लोग पढ़ रहे हो अभी बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। और जो आउटर वर्ल्ड के बारे में बात करनी है वो हम फिजिक्स के सिलेबस के अंदर कवर करेंगे, ठीक है, ओके। और आउटर वर्ल्ड को हम फील कैसे करें? हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया, सेंसेस, हमारी जो सेंसेस हैं, आँख नाक कान हाथ और आँख नाक कान, ये स्किन, ये सब, ये हमारी सेंसेस हैं। इन सेंसेस का यूज़ करके हम बाहर की चीज़ों को फील करते हैं स्टूडेंट्स, और उस फीलिंग से ही हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे हमने टच किया तो मुझे गर्म लगा, हाथ पीछे ले लिया हमने, ठीक है। उस फीलिंग से ही हमें पता चलता है कि भाई ये फूड मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, या तो ये बहुत तीखा है, बहुत मीठा हो गया है। वो हमारा टंग है, उसने यहाँ पे टेस्ट को टंग की वजह से हमने टेस्ट किया और उससे हमें पता चला स्टूडेंट्स कि ये जो है वो बहुत, या तो बहुत तीखा है तो बहुत मीठा हो गया है, हम ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बाहर की दुनिया को भी हम फील कैसे कर सकते हैं? हमारी सेंसेस की वजह से बाहर की दुनिया को भी स्टूडेंट्स फील कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम आगे बात करें कि इस साइंस को पढ़ने के टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के लिए अगर हम बात करें, वैसे तो ये चैप्टर मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि इतना कुछ इसका वेटेज नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को गेन करने के लिए ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद बात आती है साइंटिफिक एटीट्यूड के अंदर। इसी चैप्टर के अंदर फर्स्ट पेज के अंदर ही ये टॉपिक है कि भाई साइंटिफिक हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें अभी से क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि तुम लोगों को साइंस पढ़ना अभी से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करने के पहले अगर तुम लोग इस एटीट्यूड से स्टार्ट करोगे, इन मेथड्स को फॉलो करके स्टार्ट करोगे, तो तुम लोगों को साइंस जैसा है वैसा प्रॉपर समझ में आने लगेगा और इजी लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो बात आती है कि भाई सर साइंटिफिक एटीट्यूड यानी क्या। देखो स्टूडेंट्स, साइंस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा है। हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि इस थियरी के बाद वर्ल्ड के अंदर कोई थियरी ही नहीं है, बस यहाँ पे साइंस ख़त्म हो गया है। या तो फिर इसने एक लॉ दिया, ये जो रूल है इसका राइट ही है, ये ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स। उसके लिए अगर मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दूँ, तो सबसे पहले पुराने ज़माने के अंदर लोग ऐसे मानते थे कि सन जो है स्टूडेंट, सन जो है वो घूमता है अर्थ के आसपास, सन जो है वो अर्थ के आसपास घूमता है, पहले ऐसे मानते थे लोग। लेकिन जब धीरे धीरे नए नए साइंटिस्ट आते गए, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती गई और एक्सपेरिमेंट होते गए, उसके बाद जाके इस थियरी को पता चला कि ये थियरी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हकीकत में सन कभी घूमता ही नहीं है, सन अपने सेंटर के अंदर वहीं के वहीं रेस्ट कंडीशन के ऊपर ही है। तो हकीकत में घूमता कौन है? हमारा अर्थ ही घूमता है ना, सन नहीं घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है। लेकिन स्टार्टिंग के बेसिस के ऊपर, जब स्टार्टिंग का जो साइंस, जब पहले लोग कुछ साइंटिस्ट आए, तो उन लोगों ने सबसे पहले क्या बात की कि सन जो है वो अर्थ के आसपास घूमता है, लेकिन वो थियोरी बाद में रॉन्ग हुई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, क्या हुआ कि साइंस ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था पहले, लेकिन उसके बाद ये थियोरी अगर फॉल्स हुई, ये थियोरी अगर सही नहीं ठहरी, उसके बाद नई थियोरी आई और उस थियोरी का हमारे पास प्रॉपर एक्सपेरिमेंट था और प्रूव हो गई ये थियोरी, तब उस थियोरी को छोड़ के साइंस ने नई थियोरी अपने अंदर एक्सेप्ट कर ली स्टूडेंट्स। तो यही एटीट्यूड है साइंस का, कि साइंस की हर एक प्रॉब्लम, ये तो हमारे आसपास की हर एक जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही रूल को फॉलो करेंगे, या तो ये रूल सही ही है, अभी इस रूल को हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। सपोज के न्यूटन
का फर्स्ट लॉ है या तो न्यूटन का कोई सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड या तो थर्ड लॉ है, इन तीनों लॉज में से अभी अगर न्यूटन ने जिस तरीके से लॉज को प्रेजेंट किया उस तरीके से न्यूटन के लॉ काम कर रहे हैं, या तो पहले करते होंगे या तो अभी भी वैसे तो करते ही, या तो एक एग्जाम्पल के तौर के अगर मैं तुम लोगों को एक बात बता दूँ कि शायद पहले करते थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है स्टूडेंट्स कि साइंस अपने आप में एक क्वेश्चन जनरेट करेगा कि भाई ये लॉ काम नहीं कर रहा है इस इन इन सिचुएशंस के अंदर, न्यूटन का लॉ काम नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई अगर नया लॉ जनरेट हो रहा है या तो कोई दूसरे साइंटिस्ट आ रहे हैं, दूसरे साइंटिस्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन किया और अगर कोई न्यूटन को गलत साबित करके दिखा देता है कि न्यूटन तुम्हारी थियोरी रॉन्ग है अगर ये थियोरी राइट है, और इस राइट थियोरी के लिए अगर उसके पास प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है प्रूव करके दिखा देता है, तब साइंस जो है वो न्यूटन के लॉ को नहीं मानेगा, फिर उसके बाद जो नया साइंटिस्ट होगा उसके लॉ को साइंस मानेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं स्टूडेंट साइंटिफिक एटीट्यूड। ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई इसकी एक थियोरी आ गई तो अभी भाई इसकी थियोरी को कभी रॉन्ग नहीं कर सकते हम, ये थियोरी फाइनल है बस खत्म, अभी इसके बाद कोई थियोरी नहीं आ सकती, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह ही है साइंटिफिक एटीट्यूड। अगर कोई भी सिचुएशन एक लॉ से एक रूल से सॉल्व नहीं हो रही, कोई बात नहीं छोड़ो उसको, दूसरा रूल अप्लाई करो, अगर उससे सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है, उसके बाद वाला रूल अप्लाई करो। तो यह है साइंटिफिक एटीट्यूड कि फ्री माइंड से देखना है और कोई भी थियोरी को किसी भी सिचुएशन के अंदर फिट करके देखना है, अगर वो थियोरी उस हिसाब से काम करती है तो उस रूल को अप्लाई किया जाएगा, वरना वो रूल नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा ये हमें एटीट्यूड रखना है, कोई भी सम्स को सॉल्व करने के टाइम, कोई भी थियोरी को समझने के टाइम हमें इसी एटीट्यूड से पढ़ना है, इसी एटीट्यूड से समझना है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद बाद में बात आती है साइंटिफिक मैथड की। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, पहले तो साइंटिफिक मैथड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स वो हमें जान लेना चाहिए कि साइंटिफिक मैथड किसको बोलेंगे हम। देखो कोई भी एक थियोरी है, उस थियोरी को रूल बनने के लिए, न्यूटन के तीन लॉज हैं तो उसको लॉ बनने के लिए, रूल बनने के लिए कुछ प्रोसेसेस में से पास होना पड़ता है। ऐसे ही कोई थियोरी जो है वो लॉ नहीं बन जाता कि अब से ये इसका लॉ, तो बहुत सारे लॉ हो जाते हैं अभी तक, तो ऐसे ही कोई भी थियोरी सीधा लॉ नहीं बन सकती है जब तक वो प्रूव नहीं होती, तब तक उसको कुछ स्टेप्स में से फॉलो करके उस स्टेप में से उसको पास होना पड़ता है, उसके बाद हम उसको वैलिड गिनते हैं, उसको प्रॉपर एक लॉ मानते हैं स्टूडेंट्स। अदरवाइज हम कोई भी थियोरी को लॉ नहीं मान सकते कि नहीं ये चीज़ राइट रूल, ऐसा नहीं मान सकते स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है? तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर मेथड चाहिए और वो मेथड जो है वो हमें इस टॉपिक के अंदर मिलेगा कि साइंटिफिक मेथड क्या है, किस तरीके से कोई भी थियोरी को हम मानते हैं कि ये रूल बना है, जो रूल बनने की जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स उसको बोलेंगे दिस इज द साइंटिफिक मेथड। वो मेथड कौन कौन सा है कि अब सबसे पहले तुम लोगों को कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करना है लेकिन सही से ऑब्जर्व करना है, ये नहीं कि चलो देख लिया ऑब्जर्व हो गया खत्म। साइंटिफिक कोई भी, देखो मैं स्टूडेंट्स मैं अभी क्या क्लियर कर रहा हूँ बोल रहा हूँ, देखो मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी एक रूल जो है वो कैसे बनता है, एक थियोरी में से वो रूल में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्व, हमें करना पड़ता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, हमें किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है। कौन सी चीज़ को ऑब्जर्व किया, सपोज करो कि अभी तो बारिश का मौसम है तो हम उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बारिश जो है वो जो हायर लेवल जो है, मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ उसका पानी गिरता है। ठीक है, बारिश में ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ उसका पानी गिर रहा है, तो वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो हो गया है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। हमने देखा कि जो हाइट जो है वो ज़्यादा हाइट में से कम हाइट की तरफ पानी गिर रहा है। ठीक है, वो हमने देखा एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगह पे के ऊपर देखा ऐसा ही हो रहा है। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। अभी देखो स्टूडेंट्स ये तो हो रहा है वहाँ पे, ऐसा ऊपर से नीचे पहाड़ के ऊपर से नीचे जा रहा है पानी, वो नीचे ही जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, वो भी हमने देखा, वो भी एक ऑब्जर्वेशन है हमारा कि कोई कभी भी पानी नीचे से ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, वो हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स। उसके बाद
हमें उसी एक्सपेरिमेंट्स को जो हमने देखा उसको हमारे लैब के अंदर हमारे कंट्रोल के अंदर वापस जनरेट करना है। सब कैसे, सपोज कि हमने यहाँ पे कुछ, अगर हम एक एग्जांपल ले तो एक यहाँ पे बुक है, इसको अगर हमने यहाँ पे रखा है, या सपोज कि ये कोई प्लेट है, यहाँ पे हमने पानी की बूंदें डाली, एक ग्लास में से पानी ऐसे डालते हैं तो ये क्या हो रहा है, पानी नीचे गिरता है। तो ये हुआ एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। और अभी हम देखेंगे क्या कि इसका जो है वो एंगल कैसा रहता है, पानी गिरता है तो इसके साथ कितना एंगल लेते हैं, अगर थोड़ा सा ऊपर ले लें तो क्या होता है, बहुत नीचे ले लें तो क्या होता है, और नीचे ले लें तो क्या होता है, उस थोड़ा उससे से ऊपर ले लें तो क्या होता है, मतलब कि इस क्या ये जो इसका जो पानी है, पानी का जो वेलोसिटी है, क्या वो इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता भी है क्या, नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि जो पूरे पूरा हमारे कंट्रोल के अंदर हो, वो हमें एक्सपेरिमेंट्स करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर से हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करेंगे। तो क्वालिटेटिव रीजनिंग क्या होगा और क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो हम ये देखेंगे कि इस प्लेट के ऊपर से हम पानी डालते हैं तो 2 मिनट के अंदर कितना पानी नीचे जमा होता है, जब थीटा एंगल यहाँ पे 45 डिग्री का बनता हो तब, जब थीटा एंगल 60 का बनता हो तब, जब थीटा एंगल 30 का बनता हो तब, कितना यहाँ पे पानी नीचे जमा होता है, वो होगा क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में क्या होगा कि इसकी क्वालिटी क्या होगी, इट मीन्स कि अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो नीचे से एक्सेलरेशन कितना आता है उसके ऊपर एक तो डिपेंडेड है, और दूसरा किस चीज़ों के ऊपर डिपेंडेड है, इसके एक थीटा एंगल के ऊपर डिपेंडेड है। अगर थीटा एंगल बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, तो वाटर जो है वो फास्ट फ्लो होता है। हमने क्या ऑब्जर्व किया क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर, क्या ऑब्जर्व किया, अगर ये एंगल बढ़ जाता है तो पानी फास्ट नीचे गिरता है, पानी बहुत जल्दी से नीचे गिरने लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऑब्जर्वेशन करना, इसकी क्वांटिटी के बारे में ऑब्जर्वेशन करना कि भाई 1 मिनट में पहले तो अगर एंगल 45 था तब, तो कि तब तो भाई 3 लीटर का पानी गिर गया, 3 लीटर का पानी नीचे मिला, अभी एक नहीं है तो 2 मिनट के अंदर, पहले ऑब्जर्वेशन में 1 मिनट में इतना मिला है पानी, इतना 3 ml का पानी भर गया, दूसरे ऑब्जर्वेशन में 2 मिनट के अंदर इतना पानी मिल गया, तो ये क्या हुआ, ये हुई इसकी क्वांटिटी कि कितना पानी नीचे जमा हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें रीजनिंग करनी है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। उसके बाद हम बात करेंगे हम जो ऑब्जर्व करते हैं उसको वेलोसिटी के साथ, ये पानी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है, कुछ ना कुछ रिलेशन है उसका कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, कब इंक्रीज़ होती है भाई, कि जब एंगल बढ़ता है तब, जब स्लोप बढ़ता है तब भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी क्या होगा कि भाई ये जो वेलोसिटी है वो किस किस चीज़ों के, किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेड है। अगर दूसरा इसके साथ साथ एक एग्जांपल लेते जाए तो फोर्स जो है, तो फोर्स ले ले तो ए फिजिकल्स टू क्या आ जाएगा कि ए फिजिकल्स टू, एज यू नो कि फॉर्मूला होता है MMA। तो अगर मैं किसी भी चीज़ के ऊपर धक्का देता हूँ स्टूडेंट्स, तब मुझे, मैंने उसको कितना धक्का दिया है, या तो कोई चीज़ ऑटोमेटिकली खुद किसी और को धक्का दे रही है, तो उसका प्रॉपर उसका उसके पास कितना मास है, वो जो मास होगा और उसका एक्सेलरेशन है, सपोज कि मैंने धक्का दिया, अभी किसी भी चीज़ को मैंने धक्का दिया तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, वो एक्सेलरेशन और ये मास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ही क्या मिलता है हमें, जो कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें फोर्स मिलेगा, वो हमें अभी पता है, लेकिन वो जब प्रूव हो रहा था तब क्या हो रहा था, तो कि तब पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे बनी, उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ा कि भाई एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, फिर एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है, ये हुआ मैथमेटिकल मॉडलिंग कि भाई फोर्स जो है वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन फोर्स जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इस हिसाब से जो मॉडलिंग की है हमने उसको बोलेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग, और इसके ऊपर से हमने क्या बनाया, एफ इजिकल्स टू एम ए, फिर हमने बनाया फॉर्मूला, मतलब कि फॉर्मूला बनाना किसी भी एक थ्योरी का, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का, हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस के ऊपर से उसमें से फॉर्मूला बनाना, उसी को बोलते हैं एफ इजिकल्स टू एम ए, मीन्स कि ये एक हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है, उसी को बोलते हैं मैथमेटिकल
मॉडलिंग है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेडिक्शंस के ऊपर। हमारा जो दूसरा पहला एग्जांपल था वो क्या था, वो एग्जांपल था कि एक यहाँ पे स्लोप है, स्लोप में से ऊपर पानी गिरा दिया, तो पानी गिराते हैं तो एक मिनट में कितना पानी नीचे जमा हो जाता है, अगर 60 डिग्री का एंगल है तो 45 डिग्री का होगा तो कितना पानी जमा होगा, 30 का होगा तो कितना पानी जमा होगा। तो इसके लिए भी अगर हम इसके लिए भी कोई फॉर्मूला बना दें तो इसको फॉर्मूले को भी हम बोलेंगे कि हमने इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है प्रेडिक्शन करना। हम कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एक चीज़ को अगर हम प्रेडिक्शन अभी के अभी अगर करें तो क्या होगा कि मार्कर है सपोज के, अभी तुम लोग प्रेडिक्ट करो स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस मार्कर को छोड़ देता हूँ, धक्का नहीं दे रहा हूँ, मैं इसके ऊपर फोर्स भी नहीं लगा रहा हूँ, अगर मैं इस मार्कर को सिंपली छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो नीचे ही जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही जाएगा। इज इट क्लियर नाउ, समझ में आ रही बात, ओके। तो ये हुआ एक प्रिडिक्शन कि तुम लोगों ने या तो मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया, अगर वो राइट है तो हमारी थियरी कैसी हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, अगर वो रॉन्ग निकला तो वो थियरी हमारी फॉल्सिफिकेशन यानी कि गलत ठहराई जाएगी, ठीक है। तो किसी भी रूल को, किसी भी कोई भी एक रूल बनने के लिए एक थियरी को इन सारी प्रोसेस में से पास होना पड़ता है स्टूडेंट्स, उसके बाद ही वो कोई भी थियरी या तो कोई भी एक थियरी जो बनी हुई है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक रूल के अंदर कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स, ओके। तो आज हमने देखा कि इस तरीके से साइंटिफिक मेथड है, और इसके बाद एक टॉपिक एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो सारी थियरीज, ये जो सारी साइंटिफिक मेथड्स हैं, इसमें ऐसे अभी रूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और थे भी बहुत सारे कि जो एक बार आ गए थे कुछ साइंटिस्टों ने दिए, लेकिन थोड़ा टाइम जाने के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने उन्हीं रूल्स को फॉल्सिफिकेशन मतलब कि गलत साबित करके दिखाया और अपना एक नया रूल दिया, अपना एक नई थियरी पूरी दी। तो ऐसे भी साइंस के अंदर होता है, इसीलिए हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई इसने एक ये रूल दिया, अभी ये रूल लाइफ टाइम तक यही रहने वाला है, ऐसे ही चलेगा रूल, ऐसे हम कभी नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स कि ये 100% राइट ही है। नहीं, साइंस के अंदर ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, देयर इज नो फाइनल थियरी इन साइंस, ठीक है। साइंस के अंदर कोई भी थियरी फाइनल नहीं गिनी जा सकती है स्टूडेंट्स। अगर अभी कोई हमारे पास रूल है हमारे पास, लेकिन समय टाइम जाने के बाद अगर कोई नया साइंटिस्ट आता है तो वो कुछ अपना थियरी प्रेजेंट करता है और वो साइंटिस्ट इस थियरी को, अभी वाली थियरी को गलत साबित करके दिखाता है और अपनी नई थियरी देता है, तब साइंस जो है वो उस थियरी को छोड़ के नई थियरी को एक्सेप्ट करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो सारी बातें थी स्टूडेंट्स, बहुत ईजी थी वैसे तो, और थियोरेटिकल बेस्ड सारी बातें हैं, तो मैंने ट्राई इस तरीके से की है कि पॉइंट्स बना के एक प्रैक्टिकल वे में तुम लोगों को लेके जाऊं, ताकि कोई स्टूडेंट्स बोर ना हो और इजीली इन थियरीज को तुम लोग समझ सको स्टूडेंट्स। अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइंटिफिक मेथड से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और इसी चैप्टर के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर को कम्प्लीट कर लेंगे, ओके।